शनिवार को दवा विक्रेता समिति जो कि CDFUP और CIOCD से मान्यता प्राप्त वर्ष पुरानी दवा विक्रेता संघ के नाम से समिति है। समिति के कुछ पूर्व पदाधिकारी जो कि समिति के क्रियाकलापों से असंतुष्ट थे, अतः दवा विक्रेता समिति से अलग होकर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर के नाम से अलग संस्था बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिसके अध्यक्ष संजय कुमार उपाध्याय, मंत्री दिलीप सिंह, उपाध्यक्ष अशोक सिंह, कोषाध्यक्ष नरसिंह पांडे, संगठन मंत्री छोटेलाल गुप्ता, संयुक्त मंत्री नीरज पाठक, PRO अरुण बंका पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति भी किए गए हैं। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे और महामंत्री आलोक चौरसिया ने पुरानी समिति से अलग होने का पुरजोर विरोध किया और कहा कि दवा व्यवसायी सभी हमारे साथ हैं और हमारा ही साथ देंगे। आप अपना लोगो है, अपने डिजाइन कर लीजिए, आप अपने हिसाब से इसको मिलते जुलता तो अपना लोगो बता दीजिए तो जरूर खेगा। इनके तो नमक नमक है उनके ना खेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर के नव निर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार उपाध्याय, दोनों संस्थानों में एक ही पद पर संगठन मंत्री पर आसीन छोटेलाल गुप्ता और दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने कहा, व्यापारियों में काफी दिनों से एक असंतोष का लहर दौड़ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकारियों ने इतना उत्पीड़न व्यापारियों का चालू कर दिया था, जिसमें हमारी एसोसिएशन जो थी वो एकदम चुप रह के उनका व्यापारी व अधिकारियों का साथ देने का काम कर रही थी, जिससे हमारे व्यापारी काफ़ी असंतोष उत्पन्न होने लगा था। इसलिए हम लोगों ने नया एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें मौजूदा पदाधिकारी जो थे वो भी हैं, और हम लोगों ने व्यापारियों को उचित सम्मान मिल सके और अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न न हो, इसकी पूरा कोशिश किया जा रहा है नए संगठन में। एसोसिएशन गोरखपुर का मैं संगठन मंत्री हूँ। मैं पुराने एसोसिएशन में था, उनकी कार्य पद्धति पसंद नहीं आए, इस्तीफा एसोसिएशन को ज्वाइन किया। क्या वजह थी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा वहाँ से और आपको नया निर्माण करना पड़ा इस संगठन का? व्यापारियों का साथ नहीं दिया जा रहा था, जो अधिकारी उत्पीड़न ज़्यादा था, हम लोग कुछ बोलते ही नहीं थे, जिनको व्यापारियों को साथ देने के लिए मैंने संस्था ज्वाइन किया। तो कितने दो साल का कार्यकाल है, इससे पहले भी मैं था। मैं आलोक चौरसिया, महामंत्री दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। किस वजह से जो है यहाँ पे जो है मतभेद पैदा हुआ और जो दिखाई दिया था? यहाँ पर ऐसा कोई विषय नहीं था, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव का, जिसमें सभी दुकानदार भाई अपने मत का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ निर्वाचन होता है। एक तहत सीमित अवधि का चुनाव है कि 3 साल के बाद हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, उस तक चुनाव होते हैं, वोटिंग प्रक्रिया है, वोट में जो ज़्यादा वोट पाते हैं वो जीतते हैं, तो उस प्रक्रिया तहत हम लोग जीत के आए हुए हैं। जिन लोगों ने समिति बांटने का कार्य किया है उन्हें जनता ने पहले ही किनारे का रास्ता दिखा दिया, उन्हें जवाब दे दिया, वो काफ़ी बहुमत से हम लोगों ने जीत हासिल की है, और उन्हें जनाधार बिल्कुल नहीं मिला है, लेकिन सत्ता में वो लोग काबिज रहे हैं, पहले उन्हें सत्ता में जा नहीं रहा है, पर मंडी कितनी उपेक्षित है ये पूरी गोरखपुर नगर जानती है। यहाँ ना तो नाली की सारी नालियाँ बदबदा रही हैं, सारे सड़क जर्जर हैं, बिजली पोल सारे जर्जर हैं, मंडी बदहाल अवस्था में, एक यूरिनल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, एक अपना कार्यालय तक नहीं है, छोटा से कमरे तक का कार्यालय नहीं है, 4 आदमी बैठ के बैठे कर सकें। विगत 23 वर्षों से इन लोगों ने हमारे यहाँ मेंबरशिप होती है, दवा विक्रेताओं का हम मेंबर बनाते हैं, यूनियन से अपने जोड़ते हैं, उसकी एक फीस है, उस फीस का भी आज तक कोई उन लोगों ने हिसाब नहीं दिया, पिछले किसी भी कार्यवृत्ति का कोई हिसाब नहीं दिया है,
सारे पैसों को गबन कोतक कर रखा है, उसके बावजूद नादानी सत्ता में जा नहीं रहा है और नया संगठन बनाने के पीछे नादानी की क्या मंशा है। जनता हित से उनका कोई सरोकार नहीं है और जनता उन्हें चुनाव में पहले ही जवाब दे चुकी है। आपको क्या लगता है कि उनका बिखराव जो है कुछ नुकसान पहुंचाएगा समिति को? नहीं, हमें इससे कोई तनिक भी हमें कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचाएगा। जिन्हें जनता ने हटा दिया उनके साथ चार आदमी नहीं हैं, स्वयंभू नेता बन बैठे हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे साथ पूरी जनता का है। आज फेसबुक और सारे सोशल मीडिया पर आप देख लें दवा एसोसिएशन किस तरह उन पर नाराज़ है कि परिवार बांटने का कार्य उन्होंने किया है, संगठन की मजबूती को उन्होंने खंडित किया है और इसका परिणाम तो यही है कि जनता की नज़र में गिरे थे अब और गिर गए हैं।